फरहादी, इरियानी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर, अ सेल्समैन और अ सेपरेशन जैसी क्रिटिकल अक्लेम्ड फिल्में बना चुके हैं। उनकी नई फिल्म अ हीरो पिछले साल कैन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी और वहाँ ग्रैंड जूरी का प्राइज जीता। अब उसी फिल्म की वजह से वो मुसीबत में पड़ गए हैं। असगर के एक स्टूडेंट ने उन पर केस कर दिया। उनका कहना था कि असगर ने अपनी फिल्म अ हीरो की कहानी उनकी 2018 में आई डॉक्यूमेंट्री ऑल विनर्स ऑल लूजर्स से चुराई है। डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर मसीह जदेह ने असगर पर प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी का केस किया है। तेहरान की कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने असगर को दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि असगर ने मसीह जदेह के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, साथ ही मसीह जदेह को क्रेडिट भी नहीं दिया है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अब सेकंड जज फरहदी की सजा तय करेंगे। या तो उन्हें फिल्म से हुई तमाम कमाई मसीह जदेह को सौंपने के लिए कहा जा सकता है, वरना उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। फरहदी और मसीह जदेह के बीच चल रहा ये पूरा मामला क्या है, अब वो विस्तार से बताते हैं। दोनों फिल्में कितनी सेम हैं। अहीरो एक तलाकशुदा पिता की कहानी है जो डेटर्स प्रिजन से बाहर आया है। जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाते उन्हें सजा के तौर पर डेटर्स प्रिजन भेजा जाता है। बाहर आने के बाद उस आदमी को सोने के सिक्कों से भरा एक बैग मिलता है। एक मन करता है कि उसे चुरा कर अपना सारा कर्ज उतार दें, फिर भी वो उसे लौटाने का फैसला लेता है ताकि लोगों के बीच अपनी छवि साफ कर सके। अहीरो को 94वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिला था। मसीह जदेह के डायरेक्शन में बनी ऑल विनर्स ऑल लूजर शोकरी नाम के शख्स पर बनी है। जो डेट्स प्रिजन से बाहर आता है उसे पैसों से भरा बैग मिलता है। मन में धर्म संकट उठता है कि पैसा रख लें, फिर भी वो बैग के असली मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है। मसीह जदेह ने अपने यूट्यूब चैनल पर ये डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है जहाँ आप उसे देख सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2014 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग क्लास के दौरान उन्होंने शोकरी की कहानी पिच की थी। असगर उस क्लास में मौजूद थे। द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए मसीह जदेह ने बताया कि उनका आइडिया असगर को काफ़ी पसंद आया था। फिल्म बन गई और 2018 में उसे ईरानियन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया। मसीह जदेह बताती हैं कि 2019 में असगर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया जहाँ उनसे एक डॉक्यूमेंट्री साइन करवाई जिसमें लिखा था कि ऑल विनर्स ऑल लूजर का आइडिया असगर का था। मसीह जदेह के अनुसार उन्होंने वो डॉक्यूमेंट साइन कर लिया। वो बताती हैं कि असगर फरहादी ईरानियन सिनेमा का बड़ा नाम है, इसलिए उन्होंने साइन करने के लिए काफ़ी दबाव महसूस किया। अहीरो की कहानी और रिसर्च के लिए क्रेडिट ना दिए जाने की वजह से मसीह जदेह ने फरहदी पर केस किया, जिसके जवाब में फरहदी ने उन पर मानहानि का केस ठोक दिया। फरहदी की अटर्नी का कहना था कि आइडिया पर कोई कॉपीराइट नहीं होता और मसीह जदेह ने जो डॉक्यूमेंट साइन किया उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। साथ ही जोड़ा कि 2014 वाली वर्कशॉप के पहले से ही शोकरी की कहानी पब्लिक डोमेन में मौजूद थी। हालांकि मसीह जदेह का जवाब था कि नेशनल मीडिया ने कभी शोकरी की कहानी को कवर ही नहीं किया और वो सिर्फ उनकी रिसर्च थी। द हॉलीवुड रिपोर्टर में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने फरहदी के मानहानि वाले केस को खारिज कर दिया। ऐसा सबूतों के अभाव में किया गया। जैसे ही फरहदी का मानहानि वाला केस रिजेक्ट हुआ, उसके बाद मसीह जदेह ने उन पर प्लेजरिज्म का केस कर दिया। कोर्ट ने फरहदी को दोषी पाया है। अहीरो ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में अब तक $2.5 मिलियन का कलेक्शन किया। अभी ये कई देशों में रिलीज ही नहीं हुई है, जैसे कि इंडिया में। इंडिया में ये फिल्म 8 अप्रैल को सिनेमाघरों में आएगी। अगर फरहदी के लिए सब कुछ बुरा रहा तो उन्हें अहीरो के थिएटर कलेक्शन के साथ ऑनलाइन राइट्स से हुई कमाई भी मसीह जदेह को सौंपनी पड़ेगी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी यमन ने। मैं हूँ मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।